नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लो कॉस्ट में प्लाईवुड को पॉलिश कैसे किया जाता है। इसमें मैं आपको दो कलर करके दिखाऊंगा, आपकी जो मर्जी हो वह कलर ले सकते हैं। सारे मटेरियल की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मैं आपको छोटे से पीस पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप किसी बड़ी चीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। चाहे आपका दरवाज़ा हो या फिर बेड वगैरह हो या टेबल वगैरह हो, किसी के ऊपर भी आप सेम प्रोसेस से पॉलिश कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल से खर्चे में। अगर आपको बेड पॉलिश करना है प्लाईवुड का बना हुआ जो है, तो उसको भी आप इसी तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा बेड है तो इसमें जो कीले लगी हैं, पहले कीलों को अंदर करेंगे, उसके बाद में हम सारा प्रोसेस जो हम प्लाईवुड पे करने वाले हैं सेम वही करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हमें करनी है सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए हम पट्टे वाला 80 नंबर या फिर 100 नंबर का रेगमाल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह दबा के कटाई कर लेंगे, ताकि कहीं पर ऊंची नीची हो तो वह बराबर हो जाए। ये प्लाईवुड थोड़ी सी पुरानी है, बाकी अगर आप नई प्लाईवुड लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और टक्कर जहाँ पर है वहाँ पर भी आपको रेगमाल लगा लेना है, पूरा बराबर कर लेना है, ऊंची नीची नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में लेना है हमें वुड फिलर। देखिए, टीक कलर का वुड फिलर है, एशियन पेंट्स कंपनी का है, बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। देखिए, टीक कलर है। अब इस टीक कलर को हम पूरे प्लाईवुड के ऊपर एक तरफ से खींच देंगे। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर आपको 2-3 बार भरनी पड़ेगी, बाकी छोटे मोटे होल एक बार में ही कवर हो जाएंगे। वैसे आप इसके 2 कोट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप इसकी जगह पे सेना पाउडर और चाक मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा मजबूत होता है सेना पाउडर और चाक मिट्टी के मुकाबले। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वुड फिलर का ही इस्तेमाल करें लॉन्ग लाइफ के लिए। तो इसी तरीके से हमें 2-3 कोट पुट्टी कर लेनी है। पुट्टी सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए इसमें हम 150 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप 220 नंबर का भी ले सकते हैं। और अच्छी तरह दबा के इसकी सैंडिंग कर लेनी है, ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी है वो सारी निकल जाए। देखिए, इस तरीके से दबा के इसकी सैंडिंग कर लेनी है हमें, और यह पॉलिश बिल्कुल नॉर्मल से खर्चे में हो जाती है। अगर आपको मटेरियल जानकारी चाहिए कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगा है, तो आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा मटेरियल दिखाऊंगा कि कौन सा मटेरियल लगाना है। सैंडिंग होने के बाद में हमें लेना है सैंडिंग सीलर। ये देखिए, NC सैंडिंग सीलर है, बाकी आप NC लाइकर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसमें सैंडिंग सीलर का ही इस्तेमाल करूँगा। इससे नस की भराई भी हो जाएगी और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी हल्की फुल्की। तो ये देखिए, सैंडिंग सीलर लिया है हमने, इसको पतला करने के लिए इसे थिनर मिक्स किया है, और इसमें हम मिक्स कर रहे हैं रासेना पीला कलर, जो कि पॉलिश पाउडर होता है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हमें 4-5 हाथ अप्लाई करने हैं, ताकि जो प्लाईवुड है वो थोड़ी सी येलो टोन पे हो जाए। इस तरीके से इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 4-5 हाथ, तो इसकी लुक जो है वह येलो टोन पे हो जाएगी। सेना पाउडर मिक्स किया है हमने इसमें, पीले कलर का सेना पाउडर। जब तक यह येलो नहीं हो जाता है, लकड़ी पूरी प्लाईवुड पूरी बराबर नहीं दिखने लग जाती है एक जैसी, तब तक आपको इसके ऊपर मारते रहना है, चाहे आपके 4 कोट लगे या फिर 5 कोट लगे। और जो हम इसमें सीलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इसकी भराई भी हो जाती है। देखिए, हमने इतना इसको येलो कर लिया है, देख सकते हैं आप। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी इसके ऊपर शाइनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इस पर आपको 2 कलर करके दिखाएंगे। एक करेंगे ब्राउन। ब्राउन करने के लिए इसमें हम वॉलनट वुड स्टेन का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये है वॉलनट वुड स्टेन। इसकी छोटी पैकिंग जो है वह 100 ग्राम की आती है, बाकी 0.5 लीटर 1 लीटर भी यह मार्केट में उपलब्ध है। और इसको आप पतला करने के लिए इसमें थिनर मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप लाखदाना पॉलिश में भी इसको पतला कर सकते हैं। इससे हमें रेसा बनाना है, जिससे कि हमारी ब्राउन टोन ब्राउन लुक हो जाएगी। जितना भी आपको डार्क करना हो, उस हिसाब से इसके ऊपर गद्दियाँ मारनी है। जिस टाइप से रेसे बनाते हैं, उस टाइप हमें इसके ऊपर मारनी है। ये देखिए, जिससे कि इसमें इसकी टोन भी ब्राउन हो जाएगी और इसमें रेसे भी बन जाएंगे। वैसे तो इसमें रेसे दिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा डल है इसलिए नहीं ज़्यादा पता लग रहा है, बाकी रेसे इसमें काफ़ी हैं। नेचुरल में भी प्लाईवुड की ओरिजिनल लुक भी इसमें दिख रही है। ये देखिए, ब्राउन कलर कर लिया है हमने, 1 कोट ही मारा है इसके ऊपर। और अभी हम करेंगे इसको येलो। येलो के लिए हम ओके येलो का इस्तेमाल करेंगे इसमें। इससे हल्के फुल्के रेसे भी बन जाएंगे और पॉलिश की लुक भी बिल्कुल नेचुरल हो जाएगी। इसको भी आप उसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, लाखदाना पॉलिश में, या फिर आप थिनर घोल के इसको लगा सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके हमें दो तीन हाथ मारने इस तरीके से मारने हैं ताकि इसमें थोड़े बहुत रेसे बन जाए, नेचुरल टोन पे रेसे बनेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर मारना है, जैसे जैसे आप मारेंगे वैसे वैसे इसमें रेसे बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने रेसे इसके ऊपर बना लिए हैं, देख सकते हैं आप किस तरह की लुक हो गई है। एक ब्राउन है और एक नेचुरल है, आप एक कलर कोई भी चॉइस कर सकते हैं। तो अभी इसको हमें टॉप कोट लगाना है, टॉप कोट में हम इस पर टचवुड ग्लॉसी मारेंगे शाइनिंग के लिए, क्योंकि इसकी भराई पूरी हो चुकी है। बाकी आप चाहें तो इसके ऊपर सीलर दो चार हाथ मार सकते हैं, खाली सीलर मारना है अभी आपको अगर मारना है तो, उसमें कलर मिक्स हुआ नहीं होना चाहिए। ये टचवुड ग्लॉसी है इंटीरियर एक्सटीरियर 1 KPU, आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं। और इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स होता है, इसको आप कपड़े से लगा सकते हैं, ब्रश से लगा सकते हैं, या फिर आप स्प्रे गन से भी लगा सकते हैं। मैं इसको कपड़े से ही मारूंगा, ये देखिए इस तरीके से पतला करके इसको कपड़े से मारना है, जिससे कि इसमें हाई ग्लॉस फिनिश हो जाएगी। वैसे तो इसका एक कोट ही काफ़ी होता है, बाकी अगर आपको डबल लगाना है तो जब ये सूख जाएगा तो इसकी सैंडिंग करके हल्की हल्की सी 600 नंबर या 400 नंबर एक माल से आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। तो अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप इसकी शाइनिंग, इस तरीके की शाइनिंग है इसकी। और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।